नहीं रोका नहीं रोका। साइड जाने वाली गाड़ियां तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन इस साइड जाने वाली गाड़ी अभी तक एक तो आई है। यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, देखा गांधी जी का फोटो नाम ही भी है कि दीवारों पे। और यहाँ पे शहर के भी ये आला न के बराबर लोग दिखेंगे आपको। ये देखो सामने समुद्र, डेजर्ट, ये पूरा का पूरा डेजर्ट है सामने। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू अनदर व्लॉग। अभी हम है उषा कोच, जो टाउन है उससे 20 किलोमीटर दूर एक कहीं रोड पे खड़े हैं। ये देखो यार, वो बुआने भाई वहाँ पे बैठा है, वो उधर से आती हुई गाड़ियों को रोकेगा और मैं इधर से आती हुई गाड़ियों को रोकूंगा। हमें जाना है कोस्टल एरिया, जो यहाँ पे नामीबिया में, जहाँ डेजर्ट और ओशन दोनों एक जगह मिलते हैं। आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखो उषा कोच, स्वाको पौंडू पता नहीं क्या नाम है, नाम भी नहीं आता ढंग से यार। और वो बुआने भाई देखो, वो उधर से कोई गाड़ी आएगी। और ये सॉरी या आई एम स्टॉपिंग, रुक जा। ओके। नहीं रोका भाई। वो बुआनी भाई, यहाँ पे यार ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा इश्यू होता है। एक्चुअली मैं वैसे हिचहाइकिंग कभी करता नहीं हूँ, मुझे ना हिचहाइकिंग में बड़ा ही जोर आता है यार, मतलब टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ना हिचहाइकिंग करनी पड़ रही है। हम लोग अभी कोस्टल एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखते हैं। कोस्टल एरिया यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर दूर कोस्टल एरिया को एक्सप्लोर करके जहाँ पे सी, ओशन और डेजर्ट दोनों एक जगह मिलते हैं, आपको यहाँ पे केवल है जो प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी। अब हम लोग ऐसी जगह हैं कि यहाँ पे कोई प्राइवेट टैक्सी हम ले नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से हिचहाइकिंग फर्स्ट टाइम। ये मेरी लाइफ का पहला हिचहाइकिंग होने वाला है। जाने वाली गाड़ियां तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन इस साइड जाने वाली गाड़ी अभी तक एक तो आई है जो रुक के नहीं है यार। ट्रक था, दो कार थी, दोनों में से तीनों में से कोई भी नहीं रोका अभी तक तो। सो गाइस फाइनली ना लगभग 2 घंटे के बाद हमें यहाँ से व्हीकल मिल गया कोस्टल एरिया के लिए। थैंक यू ब्रदर। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, वी मेड दिस गुड फ्रेंड्स, वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर। या नाइस टू मीट यू। या नाइस टू मीट यू टू, थैंक यू माय ब्रदर। नामीबिया फ्रॉम वीडुक। ओके, यू गोइंग टू सब्सक्राइब? या सब्सक्राइब, गिव अस अ थम्स अप। आप लोगों ने देखा यार साकामोंट कितना क्लीन, कितना खूबसूरत सिटी है, मतलब इतना खुला खुला है, इतना वाइड है, बिल्कुल कंजेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के घरों में इतना स्पेस दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत। मैंने इंडिया में एक भी सिटी नहीं देखा है ऐसा जैसा ये सिटी है, और काफ़ी बड़ा सिटी भी है ये साकामोंट। यहाँ पर आएगा मज़ा। गाइस फाइनली हम साकामोंट पहुँच गए हैं, और ये भाई साहब थे जिन्होंने हमें लिफ्ट दिया। आज आई फॉरगॉट योर नेम अगेन। उनो एंड मैम, व्हाट इज योर नेम? गिफ्ट। ओ माय गॉड, गिफ्ट, यू आर गॉड गिफ्ट। सो गाइस हम लोगों को बोलते हैं बाबाई, और अब आपको सामने जो ओशन का व्यू है ना वो दिखाता हूँ। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। और यार आपको यार ओशन का व्यू दिखाता हूँ भाई साहब, क्या मजेदार व्यू है। बहुत दिनों बाद समुद्र देखने को मिला यार। कब, जहाँ जब मैं वहाँ जंजीवार में था ना तंजानिया में, तब समुद्र देखने को मिला था, उसके बाद आज। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यार कोई होटल वगैरह, हॉस्टल वगैरह या लॉज वगैरह देखेंगे सस्ता सा, और फिर लॉज वगैरह देखने के बाद फिर वापस आएंगे घूमने। तो अब चलते हैं लॉज वगैरह देखते हैं। और ये सिटी के नज़ारे यहाँ सामने कुछ ऐसे हैं, काफ़ी खूबसूरत सिटी है।
अफ्रीका में मैंने जितनी भी सिटीज देखी है ना, रवांडा भी था, लेकिन रवांडा भी मुझे इतना पसंद नहीं आया जितना ये सोकोमोंड पसंद आया है। सोकोमोंड एक काफ़ी बड़ा शहर है नामीबिया में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोकोमोंड इतना खूबसूरत शहर होगा। सो गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पता किया है जेटी दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोगों को दिया, इन्होंने दिया क्या यार, हम लोगों ने पता किया तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे 900 से स्टार्ट है, तो 900 का मतलब हो गया लगभग 4500 इंडियन रुपीज़ के लगभग हो गया, 4500 इंडियन रुपीज़, तो बहुत एक्सपेंसिव था। अब हम लोगों को इन लोगों ने कोई बैकपैकर सजेस्ट किया है कि आप लोग बंगलो बैकपैकर से वहाँ पे जाके और आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। और ये सामने के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, आप लोग देख लो भाई साहब, वो पीछे ओसन, कुछ वो पीछे ओसन वहाँ पे रह गया, और इधर है जो डेजर्ट है, अभी हम लोग डेजर्ट में जाएंगे जहाँ डेजर्ट और ओसन दोनों मिलते हैं, वो जगह भी दिखाएंगे आप लोगों को। अभी तो ये देखो, ये यहाँ की गलियाँ देखो यार, स्ट्रीट होटल गुरपोनहॉफ। होटल तो आपको यहाँ पे बहुत महंगे मिलने वाले, होटल का तो यदि आप मेरी तरह बजट ट्रेवलर है ना, तो होटल वगैरह का तो सोचना ही मत, मतलब 6-7 हज़ार से स्टार्ट होंगे होटल ठीक ठाक। तो होटल वगैरह का तो हॉस्टल वगैरह ठीक है, कोई गेस्ट हाउस मिल जाए सस्ता सा वो ठीक है अपने लिए, बाकी तो देखते हैं अभी। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है, सब लोग इंग्लिश बोल लेते हैं तो आप लोगों को कम्युनिकेशन करने में इतना कोई दिक्कत नहीं आता, और जितने यहाँ पे ब्लैक लोग हैं उतने ही यहाँ पे आपको वाइट लोग भी मिल जाएंगे देखने को, ब्लैक और वाइट दोनों पर्सन बराबर क्वांटिटी में देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को सकमाउंड में। सकमाउंड ये तो नाम अजीब से होते हैं यार, नाम लेने में नहीं आता इतना आसान है जो। ये देखो यार, यहाँ पे गांधी जी का फोटो लगा रखा है इन्होंने, आपको दिखाता हूँ गांधी जी, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। वाह भाई साहब, यहाँ पे गांधी जी का फोटो लगाया हुआ है, देखा गांधी जी का फोटो नामीबिया की दीवारों पे, ये कुछ अलग ही देखने को मिला है यहाँ पे मुझे। और अब तक मैं जितने भी नामीबिया के शहरों में घुमा हूँ ना, उनमें से ये शहर सबसे ज़्यादा, वैसे तो सारे ही शहर बहुत खूबसूरत और डेवलप्ड है, लेकिन ये वाला जो सिटी है ना उसका कुछ बात ही अलग है। सबसे सिटी अब तक, अभी तक हम लोग विंडोग नहीं गए हैं, विंडोग तो बाद में जाएंगे, लेकिन अब तक सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर यही मिला है हमें नामीबिया में, बाकी सारे शहर भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत क्लीन थे। और यहाँ पे शहर के भी ये आला, आप लोग देखो यार गलियों में सड़कों पे न के बराबर लोग दिखेंगे आपको, बिल्कुल कोई भी एक आध लोग दिखेगा सड़कों पे, इतना कम पॉपुलेशन है नामीबिया का, केवल 26 लाख पॉपुलेशन है नामीबिया की, यहाँ पे बिल्कुल भी सड़कें खाली मिलेगी। वो देखो पीछे 3-4 लोग आ रहे हैं और आगे कोई एक बंदे दो बंदे थे वो गए, और कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे। तो यार फाइनली हमने साकापोंड जो सिटी है, जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने हॉस्टल ले लिया है। मैं आप लोगों को हॉस्टल दिखा दूँ एक बार यार, ये मेरा हॉस्टल, ये मेरा बेड है, ये भवानी भाई का बेड है। तो ये लगभग हमें 250 नामीबियन डॉलर का पड़ा है ये हॉस्टल, लगभग 1200-1250 रुपए के लगभग पड़ा है यार। और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, ये शायद इसका कोई ओनर, यहाँ पे सारे वाइट मैन ही है, तो शायद यहाँ पे आपको वाइट मैन बहुत मिल जाएंगे देखने के लिए। तो अब बाहर जाके थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना है और खा पी के, और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे डेजर्ट और ओसिन, जहाँ पे एक जगह डेजर्ट और समुद्र दोनों एक जगह मिलते हैं, उस जगह हम जाने वाले हैं आज। ये देखो आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अपनी ये जो दोपहर आराम से बिता सकते हैं यहाँ पे, सुबह शाम आप लोग
ये इधर छोटा मोटा कोई गार्डन है और ये बाहर का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे हॉस्टल का। ये देखो अभी भी देख लो यार, शाम होने को आई लेकिन एक बंदा नहीं दिखेगा यहाँ पे सड़क पे, इतनी कम पॉपुलेशन। आप लोग आ जाओ यार, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ानी है भाई लोगों को, नामी भी है कि पर किलोमीटर में केवल 3.2 आदमी यहाँ पे रहते हैं। डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो मंगोलिया के बाद में ये सेकंड नंबर पे आता है नामीबिया जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। वो सामने KFC दिख रहा होगा। यहाँ पे यार आपको खाने पीने के लिए भाई बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास। एक्चुअली आप नॉन वेजिटेरियन, आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे नामीबिया में तो बहुत दिक्कत होने वाली है। प्योर वेजिटेरियन है ना तो फिर आप इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे नामीबिया में। हाँ यदि आप उधर है ना जाम्बिया, केन्या, तंजानिया, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, यहाँ पे तो आप लोग आराम से सर्वाइव कर सकते हैं यदि आप प्योर वेजिटेरियन है। लेकिन नामीबिया में थोड़ा सा मुश्किल है भाई साहब, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल है नामीबिया में प्योर वेजिटेरियन के लिए सर्वाइव करना। तो अभी हम लोग चलते हैं KFC। यहाँ पे वेजिटेरियन हमें खाने को ही नहीं मिलता, देखो सही बता रहा हूँ, वेजिटेरियन खाने को ही नहीं मिल रहा है। चिकन वगैरह से काम चलाना पड़ रहा, अब क्या करें, मजबूरी है। बाकी मैं वैसे नॉन वेज खाता नहीं था लेकिन यहाँ अफ्रीका में आने के बाद मुझे मजबूरी में खाना पड़ रहा है। मैं लिटरली पहले बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाता था। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं हूँ सकुपमंड, जो नामीबिया का शहर है सकुपमंड। वहाँ से थोड़ा सा दूर, वहाँ से 5-7 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर दूर जहाँ पे डेजर्ट प्लस ओशन दोनों मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ डेजर्ट और ओशन का मिलान, कितनी मस्त वाली लहरें चल रही है। बस आगे कुछ नहीं, आगे पूरा का पूरा समुद्र है, ओशन है। तो अभी चलते हैं, वो भवानी भाई देखो वो गया, अभी मैं भी चलता हूँ। मैं टैक्सी वाले को पैसे देने के चक्कर में रह गया। ये देखो सामने समुद्र और इधर पूरा रेत रेत डेजर्ट, ये पूरा का पूरा डेजर्ट है सामने। Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't know what you need. और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं सनसेट का। तो अभी सनसेट होने में तो लगभग 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे तक हम लोग यहाँ बैठते हैं और बस इसी को व्यू को निहारते हैं। ऐसा व्यू बहुत कम, समुद्र और मरुस्थल, ओशन डेजर्ट दोनों का मिलान होता है यहाँ पे। और अब यहाँ से हम लोग कल निकल जाएंगे विंडहॉक के लिए। विंडहॉक से हम फिर जाएंगे सोसो वैली, जो डेजर्ट है वहाँ पे। सोसो वैली में वहाँ पे आप लोगों ने गजनी मूवी देखी हो ना, गजनी मूवी का तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, वो गाना वहीं पे सोसो वैली में ही शूट हुआ था। तो बहुत जल्दी हम लोग शायद कल हम विंडहॉक पहुँच जाएंगे, परसों रेस्ट करेंगे और नर्सों हम लोग सोसो वैली के लिए निकल जाएंगे। और गाइस अब सनसेट होने वाला है, सनसेट होने में मात्र और मात्र 25 मिनट बचे हैं। तो हमें 25 मिनट और यहाँ बैठे बैठे सनसेट का मज़ा लेंगे बढ़िया आराम से, फिर उसके बाद जाएंगे सकुपमंड। फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म कर देंगे, फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के। ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा वैसे मेरे हिसाब से तो। वाओ मैन इट्स क्रेजी, जस्ट फॉलो एवरी मूव, टच मी, let me know you want it too. Don't tell what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave, the night is still young. So guys, यहाँ पे ये था सनसेट का व्यू कुछ ऐसा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। यदि आप लोगों को कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें। और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है, मैं वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी भी अपना चैनल के नाम से ही है, द इंडो ट्रैकर।
तो प्लीज़ इंस्टा पे जरूर जाके फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।